الحمد لله الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين وعلى آله وأصحابه أجمعين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم فهل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة فقد جاء أشراطها فأنى لهم إذا جاءتهم ذكراهم وقال تعالى لا تأتيكم إلا بغتة سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين انتہائی قابل عزت قابل احترام ذی قدر بزرگو بھائیو عزیزو نوجوان ساتھیو السلام علیکم دعا اور التجا ہے دربار الہی کے اندر کہ اللہ مجھے حق سچ کہہ سکنے سمجھا سکنے کی توفیق نصیب فرمائے اور بعد ازاں مجھے اور آپ سب کو عمل کی بھی توفیق نصیب فرمائے ہمارے ایمان کا حصہ ہے کہ قیامت آنے والی ہے قیامت آ کر رہے گی بلکہ قرآن کریم کا ایک حصہ صرف اس بات کے لیے مختص ہے جسے علماء اس عنوان سے ذکر کرتے ہیں اثبات القیامہ اور قرآن مقدس نے آغاز ہی سے آپ دیکھیں تو ذکر کیا ہے مالک یوم الدین سورہ فاتحہ میں بھی اور سورہ بقرہ کے آغاز میں فرمایا وَبِالْآخِرَتِ هُمْ يُوقِنُونَ کہ اہل ایمان آخرت پر یقین رکھتے ہیں ایمان رکھتے ہیں اور قرآن مقدس یہ بھی فیصلہ کرتا ہے کہ قیامت کا علم بجز اللہ کے اور کسی کے پاس نہیں ہے قرآن کہتا ہے ان الساعة آتية اکاد اخفیها قیامت آنے والی ہے اکاد اخفیها قریب ہے کہ اللہ اس کا ذکر کیا کر دے مخفی کر دے اور کہیں قرآن مقدس کہتا ہے الیہ یرد علم الساعة کہ قیامت کا علم اللہ ہی کی طرف سپرد کیا جاتا ہے اسی کی طرف لوٹتا ہے اس کے آنے کا علم کس کے پاس ہے اللہ کے پاس ہے اور قرآن دوسرے مقام پہ کہتا ہے ان اللہ عندہ علم الساعة
यकीनन अल्लाह ही के पास है कयामत का इलम। एक ये हकीकत, दूसरी हकीकत ये भी कुरान जिक्र करता है कि उसकी अलामात अल्लाह ने जिक्र कर दी है कुरान में, और नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने कयामत की अलामात अपनी अहादीस में जिक्र कर दी है। बहुत सारी अलामात जिक्र की हैं। उलमाए किराम समझाने के लिए इन अलामात की दो किस्में जिक्र करते हैं, इनको दो किस्मों में तकसीम करते हैं। खुदारा तवज्जो चाह रहा हूं आपकी, इन्हें तकसीम करते हैं कितने हिस्सों में। पहली किस्म वो अलामतें हैं जिन्हें अलामात कुबरा कहा जाता है, और दूसरी किस्म की अलामात वो हैं जिन्हें अलामात सुगरा कहा जाता है, यानी कयामत की बड़ी बड़ी अलामतें और कयामत आने से पहले कयामत की छोटी छोटी अलामतें, सुगरा कुबरा। कुछ अलामतें तो वो हैं जो आ चुकी हैं, पूरी हो चुकी हैं, कुछ हो रही हैं, कुछ हो के रहेंगी। आज इख्तिसार के साथ इसका जिक्र करता हूं। एक तवील मौजू है लेकिन उसका एक हिस्सा आपके सामने जिक्र करता हूं। अलामात कुबरा। हजरत हुज़ैफ़ा रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु फरमाते हैं, हम मजलिस में बैठे हुए हैं, कयामत का तज़किरा कर रहे हैं। काला इत्तला अन्नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अलैना व नहनु नतज़ाकरु। अल्लाह के पाक पैगंबर ने हमें यूं झांका, ऊपर से मुतले हुए और हम मुज़ाकरा कर रहे थे। फकाला मा तज़ाकरून, ओ मेरे साथियों किस चीज का तज़किरा कर रहे हो। कालू नज़कुरु साहबे किराम ने फरमाया कयामत का जिक्र हो रहा है। किसका? कयामत का जिक्र हो रहा है। काला सैयदुल अंबिया मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया इन्नहा लन तकूम हत्ता तरौन क़ब्लहा अशर आयात। कयामत हरगिज वाक़े नहीं होगी, कायम नहीं होगी, जब तक के कयामत से पहले तुम 10 निशानियां ना देख लो। हरिपुर वालों, खुद अल्लाह के पाक पैगंबर भी कयामत की निशानियों में से एक निशानी है, क्योंकि जब अल्लाह के पैगंबर तशरीफ लाए तो क्या फरमाया? फरमाया बुइस्तु अना वस्सा कहातीन, ओ लोगों मैं और कयामत यूं आए हैं, यानी मेरे बाद कयामत आएगी, यूं दूर नहीं है, करीब है। और इस हदीस में जो सही मुस्लिम की हदीस है, हजरत हुज़ैफ़ा फरमाते हैं अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया कयामत नहीं आएगी जब तक के तुम 10 निशानियां ना देख लो। अच्छा, वो 10 कौन सी हैं, जरा सुनिएगा। फ़ज़करत दुखाना, एक निशानी धुआं आएगा। क्या धुआं? एक। नंबर दो वद्दज्जाला, दज्जाल आएगा। नंबर तीन वद्दाबता, और आपने अपने फरमान में दाबा का जिक्र किया कि एक जानवर निकलेगा जो लोगों से गुफ्तगू करेगा। कितनी हो गई? गिनते जाइए।
وَطُلُوعَ الشَّمْسِ مِن مَغْرِبِهَا, चौथी निशानी सूरज मशरक के बजाय मगरब से तुलू होगा। पांचवी निशानी वनुजूल ईसा, अल्लाह के पाक पैगंबर ने ईसा अलैहि सलाम के नुजूल का जिक्र किया। वनुजूल ईसा बने मरियमा, ईसा बेटे मरियम आसमान से उतरेंगे। और नंबर छह वयाजूज व माजूज, याजूज माजूज का जिक्र किया कि वो भी आएंगे। कितनी हो गई? और नंबर सात, तीन खसफ जिक्र किए इकट्ठे तीन, फरमाया वसलासा खुसूफिन, तीन जगह ऐसी होंगी जहां जमीन धंस जाएगी अंदर को। उनमें से खसफुन बिल मशरिक़, एक मशरक में एक जगह होगी, मशरक की जमीन धंसेगी। ऐसा कोई मकाम होगा जो पूरी दुनिया में मशहूर हो जाएगा, जमीन में धंस जाएगी वो जगह। नंबर दो व खसफुन बिल मगरिब, और एक धंसना मगरिब में होगा। व खसफुन बिजज़ीरतिल अरब, और एक जगह धंसना होगा जजीरा अरब में। व आखर ज़ालिका, और दसवीं व आखर ज़ालिका, और दसवीं निशानी है नारुन तखरुज मिन अल यमन, यमन से आग निकलेगी। कहां से? यमन से आग निकलेगी। तत्रुदु नास इला महशरिहिम, जो लोगों को हांकती हुई ले जाएगी, यहां तक हांकती रहेगी कि उन्हें मैदान महशर में लाके खड़ा कर देगी। सही मुस्लिम किताबुल फितन। इस हदीस मुबारक के अंदर अल्लाह के पाक पैगंबर ने कयामत, कयामत से पहले दस अलामात जिक्र की हैं। और उलमा का इस बात पे इत्तेफाक है कि इसमें तरतीब को मलहूज नहीं रखा अल्लाह के पाक पैगंबर ने कि इनमें से पहली कौन सी होगी, दूसरी कौन सी होगी। सिर्फ मजमूआ जिक्र किया, ये आगे पीछे हो सकती है, ये नहीं कि इसी तरतीब से होंगे। ये दस अलामतें, तो उनमें से एक अलामत अल्लाह के पाक पैगंबर ने जो जिक्र किया है वो है अद्दज्जाला। कौन? दज्जाल आएगा। अल्लाह, हरिपुर वालों, दज्जाल कौन है, दज्जाल कहाँ है, दज्जाल कैसा है, दज्जाल कब आएगा, दज्जाल आके क्या करेगा, ये चीजें आपके सामने जिक्र करने लगा हूं। अल्लाह, सबसे पहली चीज कि दज्जाल को दज्जाल क्यों कहते हैं। अल्लाह, ये लफ्ज लिया गया है दज्जाला से, और अरबी में दज्जाल ये मुबालगे का सीगा है, बहुत बड़ा झूठा दज्जाल, बहुत बड़ा कज्जाब। और दज्जाला का लुगवी माना होता है खल्त मल्त करना, तो इसको दज्जाल इसलिए कहेंगे कि ये भी लोगों पर हक और बातिल खल्त मल्त कर देगा, हक छुपा देगा, बातिल उनके सामने पेश कर देगा, लोग धोखा खा जाएंगे। अल्लाह, और दज्जाल के एक नाम और भी है अल मसीह। तो जब लोग जिक्र करते हैं जिक्र इस तरह किया जाता है मसीहुद्दज्जाल, अल मसीहुद्दज्जाल। क्यों? इसलिए कि मसीह दो हैं, एक मसीह ईसा अलैहिस्सलाम है
उन्हें कुरान और हदीस में मसीह इब्ने मरियम कहा जाता है, और जो दज्जाल है उसे मसीह दज्जाल कहा जाता है। अब दोनों को मसीह कहने की वजह क्या है? दोनों की वजह अलग अलग है। मसीह का माना होता है, ये मसीह फ़ाइल उनके वजन पर है, और फ़ाइल उनका वजन कभी फ़ाइल उनके वजन पे आता है, कभी मफ़ऊल उनके माने में आता है, मासिहुन और ममसूहुन। तो यूं समझ लीजिए कि मसीह इब्ने मरियम को इसलिए कहा जाएगा, वो मसीह बमाने मासिह हैं, इसलिए उनको मसीह कहा जाता है कि वो जब भी किसी मादरजाद नाबीने की आंखों पे हाथ फेरते अल्लाह बीनाई अता कर देता था। कोढ़ बरस के मरीज पे हाथ फेरते अल्लाह उन्हें शिफा अता कर देता, तो उनको मसीह इसलिए कहते हैं। और दज्जाल को मसीह इसलिए कहा जाता है कि अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया अद्दज्जाल ममसूहुल ऐनैन, उसकी एक आंख भी मसह है, उसकी एक आंख नहीं है, बिल्कुल मिटी हुई है, और जो दूसरी आंख है वो दूसरी आंख भी खराब है, वो भी ऐसे बाहर को निकली हुई है। हदीस के अंदर लफ्ज है जिस तरह अंगूर का दाना फटा हुआ हो। और एक इमाम नवी ने यह भी फर्ज जिक्र किया कि एक मसीह और दूसरा मसीह, ये लफ्ज अजदाद में से है, दो माने रखते हैं। एक मसीह जो बहुत बड़ा सच्चा होगा वो ईसा अलैहि सलाम है, और एक मसीह जो सबसे बड़ा झूठा होगा वो मसीह दज्जाल होगा। आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। और ये वो फितना है कि जब से अल्लाह ने आदम अलैहि सलाम को पैदा किया, आदम अलैहि सलाम से लेकर कयामत आने तक इससे बड़ा फितना हुए जमीन पे कोई नहीं होगा, इतना बड़ा फितना है। अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मा मिन नबीयिन, कोई नबी ऐसा नहीं गुजरा जिसने अपनी उम्मत को दज्जाल से डराया ना हो, खबरदार ना किया हो। इतना बड़ा फितना। मामिन नबीन, कोई नबी ऐसा नहीं जिससे अल्लाह के नबियों ने अपनी अपनी उम्मत को डराया ना हो। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि मैं तुम्हें भी डराता हूं दज्जाल से, लेकिन साथ में तुम्हें वो वजाहत भी करता हूं जो पहले किसी नबी ने नहीं की, वो ये है अगर तुम्हें कहीं शक पड़ जाए तो याद रखना ये अलामत कि दज्जाल काना होगा, उसकी एक आंख होगी, और मेरा रब काना नहीं है, धोखे में ना आना कहीं। वो अल्फाज जिक्र करता हूं, जरा सुनिए। मा मिन नबीयिन इल्ला वकद अंजर उम्मतहुल आवर अल कज़्ज़ाबा अला इन्नहु आवरो, ओ लोगो, हर नबी ने उस काने दज्जाल से अपनी उम्मत को आगाह किया है, और मैं भी कहता हूं कि खबरदार इन्नहु आवरो, वो काना है। وَإِنَّ رَبَّكُمْ لَيْسَ بِآوَرًا, तुम्हारा रब काना। ये जुमला क्यों कहा? रब के साथ उसकी क्या मुमासलत है? जरा सुन लीजिए। वजह ये है कि जब वो इब्तिदा निकलेगा, वो नबूवत का दावा करेगा, फिर आगे चल के वो खुदाई का दावा करेगा, मारेगा जिलाएगा। मैं सारी तफसील आपके सामने जिक्र करता हूं, तो अल्लाह के पाक पैगंबर ने साफ लफ्जों में कह दिया इन्ना रब्बकुम लैस बिआवर,
तुम्हारा रब काना नहीं है। और दूसरी अलामत यह है, वह मकतूब उन बई ना आई नहीं काफारा, उसकी दो आंखों के जो दरमियान की जगह है, इस माथे पे लिखा हुआ होगा काफिर। काफिर का लफ्ज लिखा होगा लेकिन ऐसे नहीं लिखा होगा, हरूफ में लिखा होगा काफ फा रा, हरूफ हिजा में लिखा होगा। और दूसरी हदीस के लफ्ज हैं, ये पहली हदीस के जो लफ्ज हैं जिसमें है काफ फा रा लिखा होगा, बुखारी और मुस्लिम की है। और दूसरी हदीस में लफ्ज यूं है कि मकतूब उन बैना आईनैहि काफिरुन, उसकी दो आंखों के बीच में काफिर लिखा होगा, होगी तो एक आंख एक मसख होगी जो जगह है उस पे लिखा होगा। और कुल यकरउहु कुल्लु मुमिनिन कातिबिन वगैरु कातिबिन, ये लिखाई ऐसी होगी हर मोमिन पढ़ सकेगा उसको, चाहे वो मोमिन कातिब हो या गैर कातिब हो, पढ़ा लिखा हो या अनपढ़ हो। इस जुमले को सब समझ जाएंगे। यह है वो दज्जाल का फितना। और नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने यह भी निशानी जिक्र की है, मोटा जिस्म होगा भारी लेकिन कद उसका छोटा होगा, रंगत सुर्ख होगी, बाल हद दर्जा गुंगरियाले होंगे घने होंगे, और शक्ल ये मनहूस किस्म की शक्ल। जहर बात है जब एक आंख मिट्टी हो दूसरी अंगूर के फटे हुए दाने जैसी हो तो वो शक्ल कैसे होगी, बदसूरत ऐसा होगा। एक, अब आप कहेंगे कि ये कौन होगा, कोई हैवान होगा? नहीं, ये यहूदी नस्ल होगा, इंसान होगा। और हदीस के दूसरे अल्फाज में रजुल मर्द होगा। निकलेगा ये अलामतें जब अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने बयान की, सहाबा किराम पे इसका इतना असर हुआ, इतना असर, एक होलनाक मंजर था अल्लाह के पाक पैगंबर ने बयान किया। तो सहाबा किराम ने अलामात भी पूछी। हजरत मुगीरा बिन शोबा रजी अल्लाह तआला फरमाते हैं कि जितना मैंने दज्जाल के मुतालिक अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम से मालूमात की हैं शायद ही किसी और ने की हों। लेकिन याद रख लीजिए कि अब ये दज्जाल कौन है, कहां है इस वक्त। आपके सामने दो राय उम्मत की जिक्र करता हूं सहाबा किराम की। मदीना मुनव्वरा के अंदर एक लड़का पैदा हुआ एक यहूदिया के घर में, क्योंकि नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया दज्जाल जिस घर में पैदा होगा वहां 30 साल तक पहले औलाद नहीं होगी उस घर में, 30 साल के बाद ये पैदा होगा, ये अलामात होंगी उसकी। अब सुनने में सहाबा किराम इस तजस्सुस में पड़ गए तलाश में कि देखा जाए ये कहां है। तो उन्होंने देखा कि मदीना के एक यहूदी घराने में एक लड़का पैदा हुआ है, नाम उसका था इब्ने सय्याद, बाज उनको साफी भी कहते बाज उसको साइद भी कहते थे। ये लड़का पैदा हुआ, बिल्कुल जब सहाबा किराम ने जाके मालूमात की तो पता चला कि 30 साल उनके यहां औलाद नहीं थी, ये पहला बेटा है भी यहूदी। दूसरी अलामत ये, जब उसकी मां से पूछा तो कहने लगी उसकी एक आंख खराब है और दूसरी भी कोई खूबसूरत नहीं है, शक्ल से वो इंतहाई बुरा है।
तो सहाबा किराम रिजवानुल्लाह ताला अलैहिम अजमईन को यही गुमान होने लगा कि वो दज्जाल यही है कहीं। हत्ता कि अब्दुल्लाह बिन उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु एक दिन मदीना मुनव्वरा की गलियों में इब्ने सयाद आता हुआ देखा, उसको कुछ छेड़ दिया, कोई बास कर दी उसके साथ, तो वो गुस्से में इतना फूल गया कि हदीस के अल्फाज हैं अब्दुल्लाह बिन उमर फरमाते हैं कि पूरी गली उससे भर गई, इतना फूल गया गुस्से से। लोगों ने ये तमाशा देखा कि गुस्से से इब्ने सयाद इतना फूल गया है। बात हजरत हफ्सा रजी अल्लाह ताला अन्हा तक भी पहुंच गई तो इब्ने उमर फरमाते हैं कि मैं जब गली से उम्मुल मोमिनीन हजरत हफ्सा के पास पहुंचा तो वो मुझे गुस्से हुई कि अल्लाह आप पे रहम करे कि आपने अल्लाह के नबी से ये नहीं सुना था कि दज्जाल जब निकलेगा तो लोगों के गुस्से की वजह से निकलेगा, फूलेगा, तो आपको उससे क्या वास्ता है, छोड़ दो उसको। यह खबर फैलते फैलते अल्लाह के नबी तक पहुंची कि मदीना में ऐसा कोई लड़का है। नबी अलैहिस्सलाम चल पड़ते हैं, अल्लाह, पहुंचते हैं उसके घर, उसकी मां आती है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम उससे पूछते हैं, वो सारी अलामतें बयान करती हैं। नबी अलैहिस्सलाम ने उसकी सारी गुफ्तगू सुनी। जब निकलने लगे तो ये इब्ने सय्याद उधर किसी कपड़े में लिपटा हुआ पड़ा था, लेटा हुआ था कहीं, तो इसने फौरन कपड़ा हटाया चेहरे से, नबी अलैहिस्सलाम से कहा तुम क्या बातें कर रहे थे मेरे बारे में। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया क्या तू सुन रहा था, कहता है हाँ, मेरी आंख सोती है मेरा दिल जागता है, और अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दज्जाल की निशानियों में से एक ये भी जिक्र फरमाई थी। फिर अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम भी इस तलब में पैदा पड़ गए कि मैं इसकी पूरी हकीकत मालूम करना चाहता हूं। ये एक बाग में पड़ा हुआ था, कहीं गुनगुना रहा था, और नबी अलैहिस्सलाम चुपके चुपके से इसके पीछे जा रहे कि मैं जाके सुनूं ये कहता क्या है। जब अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इसके पीछे गए तो फौरन इसकी मां ने आवाज दी कि इब्ने सय्याद अबुल कासिम आ रहे हैं सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया तेरा सतिया नास हो, अगर तू आवाज ना देती इसको, मैं इसके पीठ के पीछे इसकी बातें सुन लेता तो ये अपनी हकीकत वाजे कर देता कि ये कौन है। एक फिर अल्लाह के पाक पैगंबर ने उससे कुछ चीजें पूछी, फरमाया ऐ इब्ने सय्याद क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, बोल। तो वो यूं देखने लगा नबी अलैहिस्सलाम को, फिर अल्लाह के नबी ने फरमाया क्या तू गवाही देता है कि मैं अल्लाह का रसूल हूं, तो वो कहने लगा अशहदु, मैं गवाही देता हूं कि तू उम्मीयीन का रसूल है। किनका? और कुरान भी कहता है कि बाअसा फिल उम्मीयीन रसूला, मक्का वालों का नाम मशहूर था अनपढ़ उम्मीयीन, तू उम्मीयीन का रसूल है। नबी अलैहिस्सलाम ने कुछ और बातें पूछी, कहता है मुझे मेरे पास सच्चा भी आता है झूठा भी आता है, कोई अजीब सी बातें कर रहा था, मेरे पास सच्चा भी आता है झूठा भी आता है। वो कहता है कभी मुझे पानी के ऊपर तख्त नजर आता है, नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया वो तो शैतान इबलीस है। ये सारी बातें जब गुफ्तगू कर रहा था, नबी अलैहिस्सलाम ने फिर उसको छोड़ दिया, फरमाया इसका मामला इस पर खल्त मल्त कर दिया गया, आओ। यहां तक कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला उन्होंने एकदम इजाजत तलब की, फरमाया या रसूल अल्लाह आप इजाजत दें मैं इसको कत्ल करता हूं। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया उमर क्या आपने नहीं सुना
कि अगर वाकई ये दज्जाल है तो तुम इसको कत्ल नहीं कर सकते, इसलिए कि दज्जाल का कातिल अल्लाह ने लिख दिया है कि वो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम होंगे। ये बात मुतय्यन है कि दज्जाल को कौन कत्ल करेगा, तो तू नहीं कत्ल कर सकता, इसलिए छेड़ नहीं इसको। आओ, इस गुफ्तगू के बाद हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु का नजरिया क्या था, जरा आपके सामने वो मैं पढ़ता हूं। हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु का ना उमर इब्नुल खत्ताब यहलिफु अन्नहु दज्जाल बिहजरत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। मुस्लिम के अल्फाज हैं, बुखारी के अल्फाज हैं कि हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अनु नबी करीम की मौजूदगी में कसम खा कर कहते थे कि इब्ने सयाद ही दज्जाल है, इब्ने सयाद ही दज्जाल है। अच्छा, हजरत मुहम्मद इब्नुल मुनकदर शागिर्द हजरत जाबिर इब्न अब्दुल्ला रजी अल्लाह ताला अनु के, वो हजरत जाबिर से कहने लगे मैंने सुना है कि है जाबिर तू भी अल्लाह के नाम की कसम उठाकर कहता है कि दज्जाल इब्ने सयादी है। मैंने सुना है कि तू इतनी पुख्तगी से कसम उठा के कहता है कि दज्जाल इब्ने सयाद है, तो क्या जवाब मिला, हजरत जाबिर कहने लगे इन्नी समयतु उमर यहलिफु अला ज़ालिका इंदन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैं इसलिए कसम उठाता हूं कि मैंने हजरत उमर को नबी की मजलिस में कसम उठाते हुए सुना है, और नबी करीम ने वलम युनकिरहु नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, और नबी करीम ने रद्द नहीं किया हजरत उमर की बात को। अब मामला थोड़ा सा मुश्किल बन रहा है, आपकी तवज्जो का तलबगार हूं। एक ये अहादीस, अब दूसरी हदीस पेश करने लगा हूं। अल्लाह, हजरत तमीमदारी रजी अल्लाह ताला अनु की यह हदीस भी सही मुस्लिम की है। एक राय यह थी कि दज्जाल कौन था, इब्ने सयाद था, और दूसरी राय यह है कि इब्ने सयाद नहीं, दज्जाल कोई और है। लेकिन पहले ग्रोह की राय के अंदर एक और बात भी है, वो भी जरा आपको सुना दूं। हजरत अबू सईद खुदरी रजी अल्लाह ताला नो फरमाते हैं कि मैंने सफर में देखा इब्ने सयाद को, तो इब्ने सयाद मेरे साथ गुफ्तगू करने लगा, कहने लगा ओ सहाबी रसूल, क्या तुम पर नबी करीम की हदीसें मख्फी हो गई। मैंने कहा बोल, कौन सी बात पूछना चाहता है। कहता है तुम मुझे दज्जाल कहते हो, खुद बहुत बोल पड़ा, कहता है तुम मुझे दज्जाल कहते हो, हालांकि क्या नबी करीम ने नहीं फरमाया था कि दज्जाल काफिर होगा, तो मैं तो मुसलमान हूं। दूसरी बात, कहता है क्या तुमने नहीं सुना कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि दज्जाल मक्का और मदीना में दाखिल नहीं हो सकता, तो क्या तुमने नहीं देखा मैं मदीना में रहता हूं और मक्का जा रहा हूं। बात समझ में आई, क्या तुमने नहीं सुना हदीस में, ये देख लो मैं यहां हूं। अच्छा, अगली बात कहने लगा ओ सहाबी रसूल, क्या तुमने अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को यह फरमाते हुए नहीं सुना कि दज्जाल की औलाद नहीं होगी। मेरे तो बेटे भी हैं, औलाद भी है। सहाबी रसूल फरमाते हैं करीब था उसकी ये सारी बातें सुनकर
मैं उसको माजूर समझ लेता कि वाकई ये दज्जाल नहीं है, हमने इस पर गुमान किया हुआ है, मुशाबहत है। कहते मुझे ये यकीन आने लग गया था कि आखिर में उसने एक और बात कह दी, मुझे फिर शक पड़ गया। कौन सी बात? किसी ने उसे पूछ लिया कि तू दज्जाल को जानता है, तो कहता है हाँ अल्लाह की कसम है मैं दज्जाल को भी जानता हूँ, उसकी माँ बाप को भी जानता हूँ, वो कहाँ है उसको इसको भी जानता हूँ। ये इब्ने सय्याद ने कहा। तो फौरन किसी शख्स ने ये पूछ लिया कि अल्लाह तेरा बेड़ा गर्क करे, ये बता कि तू ये पसंद करता है कि तू दज्जाल हो जाए। तो जहां से सहाबी रसूल को फिर शुबा पड़ गया, कहने लगा हां अगर मुझ पर दज्जालियत पेश की गई तो मैं खुशी से कबूल कर लूंगा। तो सहाबी रसूल फरमाते हैं मुझे फिर इश्तबा पड़ गया कि पहली गुफ्तगू से मालूम हो रहा था कि यह दज्जाल नहीं है, और आखिरी जुमले ने फिर मेरा वो शक यकीन में बदल दिया कि इब्ने सय्याद ही यही वो दज्जाल है। कहीं कहते हैं अगर दज्जालियत मुझ पर पेश की गई मैं उसे कबूल कर लूंगा खुशी से। एक तो ये उलमाए किराम का एक तबका, सहाबाए किराम और उलमाए किराम का ये है कि इब्ने सय्याद ही दज्जाल अकबर था। फिर सहाबी रसूल फरमाते हैं कि वाक़ हर्रा यजीद इब्ने मुआविया रजी अल्लाह ताला अन्हु के दौर में वाक़ हर्रा पेश हुआ, उस मौका पर इब्ने सय्याद गायब हुआ। कहते हैं किसी को दुनिया में पता नहीं चल सका कि इब्ने सय्याद कहाँ है, मर गया है, गायब है, उस दिन से कोई पता नहीं है। तो उलमाए किराम इस बात को लेकर मजीद इस बात की तकवीयत करते हैं कि हाँ यकीनन हो सकता है कि इब्ने सय्याद उस दिन से गायब हुआ हो, मदीना से निकल गया हो, और कयामत के कुर्ब में फिर क्या होगा, तमाम तर अलामतों के साथ जाहिर होगा। एक ये तबका। दूसरा तबका जो जिक्र करता है वो हदीस में आपके सामने जिक्र करता हूं, आप जरा वो भी सुन लीजिए। सही मुस्लिम की है, हजरत फातिमा बिन कैस रजी अल्लाह ताला न फरमाती हैं मैंने तैयारी की, वजू किया, पाकी की नमाज के लिए, इद्दत खत्म हुई मेरी, अचानक समय तो निदा अल मुनादी, एक ऐलान करने वाले का ऐलान मैंने सुना। नबी करीम का मुनादी था, क्या ऐलान होता कर रहा था, कह रहा था ए कौम अस्सलात जामिया, जल्दी आओ नमाज की तरफ। कहते हैं सारे लोग चले गए, सहाबिया फरमाती हैं और मैं भी चली गई, मैं औरतों की सफ में खड़ी हो गई। फखरजतु इलल मस्जिद फसल्लैतु मा रसूलिल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, मैंने रसूलुल्लाह के साथ नमाज पढ़ी, नमाज हो गई। फकुंतु फी सफिन निसा, यहां तक के जब नमाज हो गई तो नबी करीम फौरन खड़े हो गए, मिंबर पे आ गए। जलसा अलल मिंबरे व हुआ यज़हकु, नबी करीम मिंबर पे तशरीफ लाए और आप हंस रहे थे, हम सब देख रहे थे इंतहाई तवज्जो के साथ। फकाला, नबी करीम जब मिंबर पे आते तो क्या फरमाते, लियल्ज़म कुल्लु इंसानिन मुसल्लाहु, हर बंदा अपनी अपनी जाए नमाज पे बैठा रहे, आगे पीछे ना हो, कोई हरकत ना हो, हम अपनी अपनी जगह खड़े हो गए। सुम्मा काला, फिर अल्लाह के पाक पैगंबर फरमाने लगे अतदरूना लिमा जमातुकुम, ओ मेरे सहाबा, ओ कौम, मालूम है तुम्हें, क्या जानते हो मैंने तुम्हें क्यों जमा किया है, क्यों इकट्ठा किया है मैंने तुम्हें। लेमा जमातुकुम कालू अल्लाहु व रसूलुहु आलम, सब कहने लगे अल्लाह और उसका रसूल ही बेहतर जानते हैं। फरमाया
इन्नी वल्लाही मा जमातुकुम लिरगबतिन वला लिरहबतिन, मैंने तुम्हें डराने के लिए या किसी रगबत दिलाने के लिए जमा नहीं किया है। लेकिन जमातुकुम, लेकिन मैंने तुम्हें जमा किया है किस लिए? ले अन्ना तमीमद्दारी, इसलिए कि एक इंसान है उसका नाम है तमीमद्दारी। काना रजुलन नसरानियन, ये ईसाई था। कौन था? ईसाई मर्द था। फजा, पस वो आया हमारे पास। फबाया, मेरे हाथ पर उसने बैत की। वह असलमा, मुसलमान हो गया। वह हद्दसनी हदीसन वाफक अल्लज़ी कुंतु हद्दिसुकुम अन मसीहिद्दज्जाल, और उसने आकर मेरे सामने वो वाकया बयान किया, वो बात बतलाई है जो मेरी हदीस के बिल्कुल मुवाफिक है, जो हदीस में तुम्हें दज्जाल के मुतालिक बताया करता था। इसने एक अजीब बात बतलाई, और वही बात बतलाई जो तुम्हें मैं बतलाया करता था दज्जाल के मुतालिक। हद्दसनी, इसने मुझे वाकया बयान किया है। अन्नहु रकिबा फी सफीनतिन बहरियतिन, वाकई इसने ये बयान किया है तमीमदारी ने कि हम कबीले लखम और जुजाम, दो कबीले के 30 बंदे हमारे साथ थे, हम बहरी जहाज में सफर करने लगे। फल्लाइबा बिहिमुल मौजु शहरन फिल बहरे, तूफान आ गया और बहरी जहाज एक महीना मौजें उसके साथ खेलती रहीं। जहाज समंदर में गया, तूफान आया, एक महीना हम समंदर में थे और हमारे जहाज के साथ मौजें खेल रही, कभी उधर फेंका कभी उधर फेंका, यहां तक के हमें ले जाते ले जाते ऐसी जगह तक पहुंचा दिया गया, सूरज तुलू होने लगा। फजल सूफी, हमने यूं समझा कि करीब है कि अब कश्ती किनारे लग गई जहाज, तो हम बड़े जहाज से उतरे और छोटी छोटी किश्तियों में बैठ के एक जजीरे के अंदर उतरने लग गए। शुक्र किया कि महीने बाद जहाज किनारे लगा, हम छोटी कश्ती में सवार हुए, क्योंकि बड़ा जहाज किनारे नहीं लगता, तो हम छोटी छोटी कश्तियों में सवार होके किनारे पे उतर गए। कितने बंदे थे? 30 बंदे थे हम। तो हमने देखा, फलकियहुम फलकियतहुम दाबतुन, हमने देखा कि हमें एक जानवर मिला, इतना जिस्म उसका सारा बाल ही बाल भरे हुए हैं, और उसके अगले हिस्से और पिछले का पता ही नहीं चल रहा, इतने बाल उस पे पड़े हुए हैं। यानी ला यदरूना मा कुबुलहु मिन दुबुरी ही, कि उसका अगला हिस्सा क्या है और पिछला क्या है, ऐसे बालों में डूबा हुआ था। मिन कसरत शारे फकालू वैला कि मा अंते, तमीमदारी फरमाते हैं हमने उससे पूछा कि ओ बदबख्त, तू तबाह हो, तू क्या है, कौन है, बता हमें। तो वो फौरन कहने लगी, अनल जसासा, मैं जसासा हूं। जसासा ये मौनस है जसास की, यानी जासूसी करने वाली हूं, ये मौनस है जसासा, क्या करने वाली हूं, मैं जासूसी करने वाली हूं। कालू वह मल जसासा, जसासा क्या है, किसकी जासूसी करती है। काला तो कहने लगी, अयो हलकों, ठहरो नहीं आगे चलो, इन तलिकु इला हादर रजुल फिद्दैरी, आगे एक बंदा बैठा हुआ है आपके इंतजार में और आपकी मुलाकात का बहुत मुश्ताक है। फइन्नहु इला खबरिकुम बिल अशवक, बहुत ज्यादा इश्तियाक है उसको तुम्हारी मुलाकात और तुमसे गुफ्तगू का। सहाबी रसूल फरमाते हैं, हम डर के साथ डरते डरते लपक पड़े उस जगह की तरफ जहां जसासा वो हमें लेके जा रही थी।
जब हम पहुंचे तो देखते हैं हत्ता दखलन दैरा फ़ाइज़ा फ़ीहे आज़मु इंसानिन। हमने देखे बहुत बड़े जुस्से वाला इंसान है, इतना बड़ा आदमी हमने कभी नहीं देखा था। उसके बाजू भी जकड़े हुए हैं जंजीरों में, पाँव में बेड़ियां पड़ी हुई हैं, पाँव भी जकड़े हुए हैं उसके, बिल्कुल सख्त उसको जकड़ा हुआ है और बाजू उसके ऐसे गर्दन के साथ बांधे हुए हैं। इस हाल में वो वहां बैठा है। कुलना वैलक मन मानता, तो हमने जब उस बंदे को देखा जंजीरों में जकड़ा हुआ तो हमने फौरन उससे पूछा, तू तबाह हो मानता, तू कौन है, क्या है, तू बताना। मैं काला कद कदर तुम अला खबरी, मेरे बारे में कुछ तो तुम्हें पता चल गया और कुछ पता चल जाएगा कि मैं कौन हूं, लेकिन तुम बतलाओ फा अखबिरूनी मा अंतुम, तुम बतलाओ तुम कौन हो, कौन हो तुम। कालू तो फरमाते तमीमेदारी, हमने कहा नहनु उनासुम मिनल अरबी, हम तो अरब के कुछ लोग हैं, अरबी हैं, सवार हुए सफर के लिए जहाज मौजों में चलते चलते महीना, हदीस के अल्फाज इख्तिसार करता हूँ, यहाँ तक कि आपके पास आ गए एक महीना समंदर में भटकने के बाद। अल्लाहु अकबर। तो जब उसने एकदम कहा सुन लो मुझे ये बताओ, अखबिरूनी अन्नखले बैसान, शाम में बैसान एक इलाका है, खजूरें ही खजूरें लगी हुई हैं, तो वो जंजीरों में जकड़ा हुआ शख्स कहने लगा मुझे उस बैसान बाग के खजूरों के मुतालिक बतलाओ। कुलना अय्या शानेहा, उसकी क्या हालत आपको बताएं, कौन सी खबर। कहने लगा अन्नखलेहा हल युस्मेरो, क्या उसकी खजूरें फल देती हैं कि नहीं देती। कुलना लहू नाम, हमने कहा बिल्कुल फल देती हैं। काला कहने लगा इम्मा अम्मा इन्नहु यूशिकु अल्लाह तुस्मेरा, करीब है कि वो फल देना छोड़ देगा वो बाग। अच्छा मुझे मजीद बतलाइए। अखबिरूनी बुहैरत तबरिया, तबरिया का जो दरिया है, तबरिया इलाका, उसका दरिया कैसा है। कुलना, हमने कहा क्या मतलब है दरिया का। कहने लगा उसमें पानी है कि नहीं। हमने कहा पानी तो उसमें बहुत ज्यादा है। कहने लगा करीब है यूशिकु अन यज़हबा, कि उसका पानी खुश्क हो जाएगा। हमने मजीद बातें की तो वो मजीद पूछने लगा, कहने लगा अखबिरूनी अन आईने जोगर, ये जोगर कोई चश्मा था जो वो जानते थे सहाबा किराम, हजरत तमीमेदारी, कहा वो चश्मा कैसा है। हमने कहा क्या मतलब है चश्मे का। कहने लगा ये बताओ उस चश्मे के पानी से लोग अपनी खेती बाड़ी करते हैं कि नहीं, पानी को ज़मीन की तरफ ले जाते हैं, ज़मीन सैराब करते हैं कि नहीं। कुलना नाम, हमने कहा पानी उसमें बहुत है, लोग सैराब भी करते हैं। मजीद एकदम पूछने लगा अखबिरूनी अन्नबील उम्मीना, उम्मीन के रसूल नबी के बारे में बतलाइए, मा फाला, वो क्या करते हैं। कुलना, तो हमने कहा कद खरज मिन मक्कता व नज़ल यसरबा, बिल्कुल नबी ही उम्मीदीन का नबी मक्के में आया और आजकल वो मदीना तशरीफ ला चुके हैं। तो उसने फिर पूछा अकातलहुल अरब, क्या अरब ने उसके साथ लड़ाई की है, जंग हुई अरब के साथ।
तो तमीमदारी फरमाते हैं कि हमने कहा हाँ लड़ाई हुई है। तो कहा लड़ाई में क्या फैसला हुआ? हमने कहा लड़ाई में अल्लाह ने उसे फतह दी, वो गालिब रहे हैं और अब अरब के कई लोगों ने उसकी इताअत कर दी है, अरब के लोगों ने उन्हें नबी और रसूल तस्लीम कर लिया है। तो दज्जाल कहने लगा हाँ उनके लिए यही बेहतर था कि वो उनकी इताअत कर जाएं। ये सारी गुफ्तगू होने के बाद अब अपने बारे में कहता है, कहता है इन्नी मुखबिरुकुम अन्नी, अब मेरे बारे में सुन लीजिए, कहता है इन्नी अनल मसीह, मैं मसीह दज्जाल हूं, व इन्नी उशिकु अन युअज़न ली फिल खुरूज, करीब है कि मुझे इजाजत मिल जाए निकलने की, मैं इंतजार में हूं, करीब है कि मुझे खोल दिया जाए और मुझे इस जजीरे से निकलने की इजाजत मिल जाए। फअखरुजो, मैं निकलूंगा, फअसीरु फिल अर्ज़, पूरी जमीन में मैं चक्कर लगाऊंगा, घूमूंगा, फला अदा करियतन इल्ला हबतुहा, कोई ऐसी जगह नहीं छोड़ूंगा बस्ती कि जिस बस्ती में मैं जाऊंगा नहीं, तमाम बस्तियों में जाऊंगा। कितने दिनों में? अरबईन लैला, पूरी दुनिया में सिर्फ कितने दिन घूमूंगा? 40 रातें, 40 दिन, कहां कहां नहीं जा सकूंगा वो भी बता दिए। कहता है गैर मक्कता व तय्यबा, मक्का में नहीं जा सकूंगा, तय्यबा में नहीं जा सकूंगा, यानी मदीना मुनव्वरा, मदीना का एक नाम तय्यबा तय्यबा है, मैं वहां भी नहीं जा सकूंगा। और ये भी कहता है कि अगर मैं दाखिल होना चाहूंगा भी तो मदीने के दरवाजों पर फरिश्ते खड़े होंगे, उनके पास तलवारें होंगी, वो मुझे अपनी तेज धार वाली तलवारों के साथ पीछे धकेल देंगे। मैं मदीना नहीं जा सकूंगा, मक्का भी नहीं जा सकूंगा। दज्जाल का ये जुमला, ये सारी गुफ्तगू होने के बाद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा से बयान की, तो आखिर में फरमाया ओ मेरे सहाबा बतलाओ क्या ये बातें मैं तुम्हें बतलाया करता था कि नहीं? सब ने कहा या रसूल अल्लाह आप बतलाया करते थे। फरमाया सुन लीजिए, अल्लाह की कसम है, 3 दफा नबी करीम ने अपनी लाठी छड़ी यूं मिंबर पे मार मार के कहा अल्लाह की कसम मदीना तय्यबा ये है, मदीना ये है, मदीना ये है। क्या शान है मदीना मुनव्वरा की। और एक दूसरी हदीस में आता है कि मदीना मुनव्वरा मक्का नहीं जा सकेगा, उस दिन मदीना के 7 दरवाजे होंगे। कितने दरवाजे होंगे? जब दज्जाल निकलेगा 7 दरवाजे होंगे, हर दरवाजे पर 2-2 फरिश्तों का पहरा लगा होगा। दज्जाल का लश्कर आएगा, उसे धकेल दिया जाएगा पीछे, दज्जाल आएगा उसे पीछे धकेल दिया जाएगा। और एक और लफ्ज भी सुन लीजिए कि अब निकलेगा कहां से दज्जाल। हदीस के आखिरी अल्फाज क्या हैं? फरमाया अल्लाह की कसम है, नबी करीम ने फरमाया दज्जाल निकलेगा इराक और शाम के बीच में, और एक में है असबहान से निकलेगा। कहां से? असबहान, फानी, क्या? असबहान से निकलेगा। और अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला की हदीस के लफ्ज हैं कि दज्जाल निकलेगा असबहान से, जिसकी बस्ती का नाम होगा यहूदिया। क्या? ये बस्ती असबहान इस वक्त ईरान में है। कहाँ है? तो जहां लफ्ज आते हैं हदीस में कि मशरिक में निकलेगा, इराक की जानिब निकलेगा, मुहद्दिसीन फरमाते हैं इन अहादीस में कोई तआरुज नहीं है, निकलेगा सबसे पहले असबहान से। कहां से? और उधर जब निकलेगा तो 70,000 यहूदी उस वक्त उसके साथ शामिल हो जाएंगे। ईरान के शहर असबहान से निकलेगा और यहूदी वहीं होंगे, उन्होंने पहले से वहां डेरा लगाया होगा, अपने लिए वो जगह खरीदी होगी,
और अल्लाह के पाक पैगंबर ने निशानी बतलाई, फरमाया अलैहिमुत्तयासिला कि उन पर सया या सबज चादरी भी होंगी। ये दज्जाल के लश्कर का पहला जो है वो पहली निशानी है कि लश्कर इब्तिदान ये होगा, वहां से चलेगा, बस्तियों में जाएगा। नबी ये करीम फरमाते हैं एक हाथ में आग होगी, दूसरे हाथ में जन्नत होगी, बाग होगा। लेकिन याद रखना मेरे सहाबा, जो आग होगी हकीकत में वो जन्नत होगी, जो बाग होगा हकीकत में वो जहन्नम होगी। यानी जो उसके बाग सबज बागों के झांसे में आएगा वो हलाक हो जाएगा, और जो उसका मुकाबला करेगा, मानेगा नहीं और उसकी आग में चला जाएगा, तो लोग तो समझेंगे जल गया, हकीकत में वो जन्नत चला जाएगा। इतनी निशानी बतला दी है। और ये भी सुन लीजिए, जब मदीना के बाहर करीब पहुंचेगा, दाखिल तो नहीं हो सकेगा, बाहर पहुंचेगा तो मदीना मुनव्वरा में तीन जलजले आएंगे। कितने? तीन जलजले आएंगे। तो जब जलजले तीन आएंगे तो मदीना में कोई काफिर मुनाफिक नहीं रहेगा, सारे मदीना से बाहर हो जाएंगे, दज्जाल के लश्कर में शामिल हो जाएंगे। और जो उस वक्त मदीना में रहेगा वही सच्चे लोग होंगे। जितने मुनाफिक काफिर होंगे वो मदीना मुनव्वरा से निकल जाएंगे इन तीन जलजलों में, उसके लश्कर में शामिल हो जाएंगे। एक शख्स होगा जो उसका मुकाबला करेगा। अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया उस दौर का सबसे बड़ा शहीद वो होगा, सैयदु शुहदा। वो कौन होगा? फरमाया एक शख्स निकलेगा, सही मुस्लिम के अल्फाज हैं, जाएगा उसके लिए आगे असलहे वाले लोग खड़े होंगे, कहेंगे कहां जा रहा है? कहता है तुम्हारे उस दज्जाल से मिलने जा रहा हूं, मसीह से। वो समझ जाएंगे कि ये तो उसको मानने वाला नहीं है, तो कहेंगे मारो इसको। फिर उनमें से एक कहेगा नहीं, हमारे खुदा ने कहा कि जब तक मेरी इजाजत ना हो किसी बंदे को कत्ल नहीं करना, तो इस शख्सियत को छोड़ दिया जाएगा। ये पहुंचेगा दज्जाल के पास, खड़ा हो जाएगा, कहेगा तू क्या कहता है? वो कहेगा मैं तुझे झूठा कहता हूं, तू दज्जाल है। बड़े करतब दिखाएगा, कहेगा अल्लाह की कसम तू झूठा है। दज्जाल कहेगा ऐसे करो, कत्ल कर दो इसको, मारो इसको, कत्ल कर दो। उसे कत्ल कर दिया जाएगा, यूं दो टुकड़े कर दिया जाएगा। जब दो टुकड़े किया जाएगा, एक टुकड़ा एक तरफ एक टुकड़ा दूसरी तरफ, दज्जाल उन दो टुकड़ों के बीच में से चलेगा, और आगे जाने के बाद उसको कहेगा फिर जिंदा हो जा, वो फिर जिंदा हो जाएगा। जब दोबारा जिंदा हो जाएगा तो उससे दज्जाल कहेगा अब मुझे मानता है या अब भी नहीं मानता? वो कहेगा अल्लाह की कसम अब मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि तू दज्जाल है, अब मेरा यकीन और पुख्ता हो गया कि वाकई तू क्या है, दज्जाल है। याद रख लीजिए हरिपुर वालों, ये लोग उसके लश्कर में शामिल हो जाएंगे जो इस दौर में भी किसी के करतब देखते हैं तो गर्वीदे हो जाते हैं। क्या? जो किसी के करतब शर्तब देखते हैं तो क्या हो जाते हैं? गर्वीदे हो जाते। और ना जी फलां बड़ा अच्छा आदमी, क्यों आंखों में से कील निकाल देता है, पेट में से तीन मन का लोहा निकाल देता है, ये कर देता है। ये करतब करने वाले जो आज बहक जाते हैं, यकीन कीजिए यही मुतजलजल लोग जब उसके करतब देखेंगे वो भी बहक जाएंगे। हम कहते हैं किसी के करतब ना देखो, देखना है किसी को तोलो तो कुरान और सुन्नत के तराजू पे तोलो। अगर कुरान और सुन्नत के तराजू में ठीक है, ये अल्लाह का वली है, चाहे कोई करतब ना दिखाए। क्या किया जाए इस कौम को अभी समझ नहीं आती। वो ये करतब करते करते लोगों को मारता जाएगा। और याद रख लीजिए, फरमाया सिर्फ 40 दिन रहेगा दुनिया में दज्जाल। कितने दिन? ज्यादा नहीं, 40 दिन। लेकिन उन 40 दिनों में जो पहला दिन होगा वो एक साल के बराबर होगा,
जो दूसरा दिन होगा वो एक महीने के बराबर होगा और जो तीसरा दिन होगा वो एक हफ्ते के बराबर होगा और बाकी दिन तुम्हारे आम दिनों के बराबर होंगे। सही हदीस है। अब इस हदीस से कुछ चीजें समझ में आती हैं। पहला दिन कितना लंबा होगा? एक साल के बराबर। तो ये मतलब नहीं कि परेशानी की वजह से लंबा नजर आने लगेगा, नहीं, हकीकत में वो दिन साल तक लंबा हो जाएगा। क्यों? सहाबी रसूल पूछते हैं, या रसूल अल्लाह, क्या जब वो दिन साल के बराबर होगा तो क्या हम सिर्फ उसमें पांच ही नमाजें पढ़ेंगे? क्योंकि दिन में नमाजें कितनी हैं? तो जब वो दिन साल के बराबर होगा तो क्या हम उसमें सिर्फ पांच नमाजें पढ़ेंगे? नबी करीम ने फरमाया, पांच नहीं, साल के बराबर दिन होगा, उस साल के दिन में तुम 24-24 घंटे यानी एक एक दिन का अंदाजा लगा के पांच पांच नमाजें पढ़ते जाना। कुर्बान जाऊं हदीस के इस इशारे से पाकिस्तान के मशहूर आलिम दीन शेखुल इस्लाम अल्लामा मुफ्ती तकी उस्मानी साहब ने उन इलाकों के लिए जिन इलाकों में दिन 6-6 महीने रहता है, 6-6 महीने रात रहती है, उनके लिए नमाजों रोजों का कैलेंडर बनाया है। इस हदीस से लेकर अल्लाह के पाक पैगंबर ने फरमाया दिन साल के बराबर होगा, तुम अंदाजे से नमाजें पढ़ते रहना। अच्छा, दूसरा दिन महीने के बराबर, तीसरा दिन हफ्ते के बराबर होगा, बाकी दिन उसी तरह, तो ये कितना बनता है? ये बनता है, हरिपुर वालों सुनिए, आज मैं ये हदीस पढ़ रहा था सुबह तो मैंने फिर हिसाब लगाया कि ये कितना बनता है, तो ये एक साल 14 दिन बनते हैं। कितना? एक साल 2 महीने 14 दिन बनते हैं। इतना अरसा वो रहेगा। और अल्लाह के पाक पैगंबर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, साहबा अगर वो कहीं आ गया तो उसका तमाशा देखने भी ना जाना। मुसलमानों, अगर कहीं आ गया तमाशा देखने भी ना जाना, इसलिए कि कई लोग ऐसे होंगे जो कहेंगे मैं मोमिन हूं और तमाशा देखने जाएगा, उसके करतब देखे ईमान खो बैठेगा, उसी का घर विदा हो जाएगा। फरमाया फिर हम कहां जाएं, हम क्या करें? फरमाया एक ये पहाड़ों की तरफ चले जाना। अल्लाह अकबर। बचाव का कोई तरीका? फरमाया मदीना मुनव्वरा मक्के चले जाना, वहां ना दज्जाल जा सकता है ना दज्जाल का दबदबा जाएगा। अच्छा, बचाव का एक और तरीका, फरमाया अगर आ जाए तुम में से कोई दज्जाल को देख ले, फरमाया तो जूं ही उसे देख ले, सामना हो जाए, तो सूरत काफ की इब्तदाई आयत उस पे पढ़ ले, उसके शर से महफूज हो जाएगा। अल्लाह अकबर। कौन सी? सूरत काफ की इब्तदाई आयत पढ़े, बच जाएगा। इसकी बहुत बड़ी फजीलत है मेरे दोस्तों, याद कर लो। और दूसरी हदीस के अंदर लफ्ज मौजूद है, नबी करीम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, मन हाफिजा, जिसने भी सूरत काफ की इब्तदाई आयात याद कर ली, उसे मिन फितनत दज्जाल, वो दज्जाल के फितने से बचाया जाएगा। क्यों? इसलिए कि इस आयात के मानी है, अल्हम्दुलिल्लाहिल्लज़ी अंज़ल अला अब्दिहिल किताबा वलम यजअल लहू इवजा क़य्यिमन लियुंज़िर बअसन शदीदन मिन लदुन्हु वयुबश्शिरल मुमिनीना अल्लज़ीना यअमलूनस सालिहाति अन्न लहुम अजरन हसना माकिसीन फीहि अबदा वयुंज़िर अल्लज़ीन क़ालु इत्तख़ज़ल्लाहु वलदा मा लहुम बिही मिन इल्मिन वला लिआबाइहिम
عليهم كبرت كلمة تخرج من أفواههم إن يقولون إلا كذبا. याद कर लो मेरे दोस्तों, ये बचाव का जरिया होगा। और एक बचाव का सबब ये है, सैयदुल अंबिया नमाज में ये दुआ करते थे, अल्लाहुम्मा इन्नी अऊजु बिका मिन अज़ाबिल क़ब्र व मिन शर मसीह दज्जाल व मिन फितनत मसीह दज्जाल। अल्लाह अज़ाब क़ब्र से भी बचा और दज्जाल के फितने से भी। तो अपनी दुआओं में ये शामिल कर लीजिए, अल्लाह हमें दज्जाल के शर से बचा। बहुत बड़ा शर होगा, बहुत बड़ा, रूए ज़मीन पर इससे बड़ा फितना कोई नहीं आया होगा। लेकिन आखिरी अंजाम क्या होगा उसका, सुन लीजिए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, अल्लाह, निकलेगा तो असबहान से, मशरक से, कत्ल कहाँ होगा? एक मकाम है जिसका नाम है लुद। कौन सा मकाम है? लुद। ये फलस्तीन में है, बात समझ में आ रही? वहां है ये, चलते चलते वहां पड़ाव डालेगा और मुसलमानों का पड़ाव उस दिन होगा दमिश्क ही के अंदर एक जगह, इसका नाम है गौता। मुसलमानों का पड़ाव गौता में होगा और उसका पड़ाव मकाम लुद में होगा। इमाम महदी का जहूर भी इसी वक्त होगा, इमाम महदी इसी वक्त आएंगे और फजर की नमाज का वक्त होगा। दमिश्क की जामे मस्जिद में फजर की नमाज के लिए सफ़े दुरुस्त की जा रही होंगी कि दो फरिश्तों के परों पे यूं हाथ रखे ईसा अलैहिस्सलाम उतरेंगे, उसकी मस्जिद के मीनार पे उतरेंगे और कहेंगे सीढ़ी ले आओ। लोग सीढ़ी लाएंगे, आप उसके जरिए नीचे उतरेंगे, नमाज का वक्त होगा। हदीस के अंदर लफ्ज मौजूद हैं कि जब हजरत ईसा अलैहिस्सलाम यूं सर नीचे करेंगे तो उनके बालों से इस तरह कतरे झड़ेंगे जिस तरह मोती होते हैं, मोतियों की तरह आपके चेहरे पर बालों से पानी के कतरे झड़ रहे होंगे और आपकी सांस में वो तासीर होगी, जिधर तक आप सांस लेंगे उधर तक कोई भी काफिर जिस पे वो सांस लगेगा मरता जाएगा। और फरमाया कि ईसा अलैहिस्सलाम का सांस उस वक्त तक इतना दूर जाएगा जहां तक उनकी नजर जाएगी, ये मरते जाएंगे, नमाज का वक्त होगा। इमाम महदी कहेंगे अल्लाह के नबी आप आगे हो जाएं नमाज के लिए, ईसा अलैहिस्सलाम कहेंगे नहीं, आगे आप हो जाएं, ये मोहम्मद की उम्मत की इज्जत है, नबी ये करीम की उम्मत की शान है। तो इमाम महदी को खुद आगे करेंगे, उनकी इख्तिदा में नमाज पढ़ेंगे। लोग कहेंगे ईसा अलैहिस्सलाम से दज्जाल से तंग हैं, कहेंगे फिक्र न करो, उसका कत्ल अल्लाह ने मेरी ही मुकद्दर किया है। तलवार के साथ आएंगे, चलेंगे, दज्जाल के साथ आमना सामना होगा, क्योंकि ईसा अलैहिस्सलाम सांस लेंगे, लोग मरते जाएंगे। हदीस के लफ्ज ये हैं कि जो ये सांस ईसा अलैहिस्सलाम की दज्जाल को पहुंचेगी वो यूं पिघलेगा जिस तरह नमक पानी से पिघलता है, अगर वो मारे ना तब भी मर जाए, लेकिन ईसा अलैहिस्सलाम पिघलने से पहले पहले उसको खुद मार देंगे और अपने बर्छे और तलवार में उसका खून सा लोगों के सामने यूं लहरा देंगे। फिर जिन जिन लोगों के ऊपर तशद्दुद किया होगा दज्जाल ने, ईसा अलैहिस्सलाम वहाँ का चक्कर लगाएंगे, उनको जन्नत की बशारतें देंगे, उनको अजर की बशारतें देंगे, फिर अदल और इंसाफ का चर्चा होगा दुनिया में, जिजिया ख़त्म होगा, कोई टैक्स नहीं लिया जाएगा और कोई काफिर नहीं छोड़ा जाएगा,
यहां तक कि अगर कोई यहूदी पत्थर के पीछे भी होगा तो पत्थर भी पुकारेगा यहूदी हा होना वराई, यहूदी मेरे पीछे है। किसी दरख्त के पीछे अगर यहूदी पना लेगा तो वो दरख्त भी पुकार के कहेगा ओ मुस्लिम यहूदी इस दरख्त के पीछे आ जा, उसे कत्ल कर दे, इनको मारा जाएगा। ये एक पुरसकून और राहत का दौर होगा। फिर ईसा अलैहिस्सलाम पे अल्लाह वही नाजिल करेंगे कि मेरा पैगंबर अब मैं एक ऐसी मखलूक भेजने लगा हूँ जिसका मुकाबला कोई नहीं कर सकेगा। वो कौन सी मखलूक होगी? वो होगी याजूज और माजूज। ये अलामात क़यामत में से एक पहला जो मंज़र था मैंने पेश किया है आपके सामने इख्तिसार के साथ। अल्लाह से दुआ है अल्लाह दज्जाल और दज्जालियत के फितने से हमें महफूज फरमाए। कुछ उलमा ने बहुत सारी किताबों में मैंने देखा उन्होंने दज्जाल इसराइल को कहा, दज्जाल अमेरिका को दज्जाल कहा है, सारी निशानियां उस पे फिट की हैं। ये बात ठीक है कि वो दज्जालियत हैं, क्या वो दज्जालियत और दज्जाल का लश्कर हैं, लेकिन बेन ही जो असल दज्जाल है वो जिंदा है, जजीरे में जकड़ा हुआ है, कुर्ब क़यामत में उसको वहां से खोला जाएगा। अल्लाह से दुआ है अल्लाह अमल की तौफीक अता फरमाए।